अपना चल रहा है फ्रैक्शन के अंदर। अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्या कि अपन ने कहा था कि बिनों में सबसे बड़ी बिन सबसे छोटी बिन, बिनों का आरोही क्रम, बिनों का अवरोही क्रम, बिनों के साथ अनुपात। और फिर अपन ने बात की थी कि बिनों में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा एक है, बड़ी का पूछे तो छोटी को भूल जाओ और छोटी का पूछे तब बड़ी को भूल जाओ, ऐसे करके हमने अपनी बात को ड्रॉप किया था। उसके बाद में अब आज अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि बिनों में आरोही क्रम क्या होता है, बिनों का अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टाइप देखना क्वेश्चन पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है साहब, ये लगभग हर साल पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में शामिल हो रहे हैं। अब मैं दे रहा हूं निम्न बिनों का आरोही क्रम है, इसका एक मेथड है आरोही क्रम निकालना, आरोही क्रम किनका, बिनों का, जो आपके अक्षर से पूछा जाता है, बिनों का आरोही क्रम निकालना। देखना क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, मैंने कह दिया 2/5, 5/7, 2/5, 5/7, 3/5 और 7/9, इनका आरोही क्रम निकाल लो। तो काम कैसे करेंगे देखो, काम करने का तरीका क्या है, पहले तो इनमें इसके अंश और हर में देखो डिफरेंस यानी अंतर, अंश और हर में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उस अंतर को आपको अंश में भाग देना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन में बताया था ना, जैसे यहां देखो, यहां देखो 2/5 है, कितने का अंतर है साहब, 5/7 है, 3/5 है और 7/9 है। यहां अंतर 3 का, यहां अंतर 2 का, यहां अंतर 2 का, यहां भी अंतर 2 का। तो आप देखना यहां अंतर 3 का है, यहां अंतर 2 का है, 2 का है, 2 का है। पहला काम तो क्या होगा, आप अंतर देख लो। दूसरा काम क्या होगा, अंतर का एलसीएम देख लो, अंतर का एलसीएम, अंतर का एलसीएम देखो 3, 2, 2, 2 क्या है आपके पास, 3, 2, 2, 2 इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा साहब कितना, इनका एलसीएम होता है आपका वहां पे 6, जिसे 6 बोलते हैं। अच्छा अंतर देख दिया, अंतर का एलसीएम देख लिया, तीसरा काम क्या होगा कि जो अंतर है ना, अंतर को यहां जैसे 2/3 गुणा एलसीएम कितना है 6 कर लो, यहां क्या करोगे 5/ अंतर कितना 2 गुणा एलसीएम कितना 6 कर लो, फिर क्या करोगे 3/2 गुणा एलसीएम कितना 6 ये कर लो, फिर 7/ अंतर कितना 2 गुणा एलसीएम कितना 6 ये कर लो। क्या किया मैंने, जो अंतर था उसको अंश बटे अंतर इंटू एलसीएम, बोलो बात समझ में आई क्या, पहले अंतर किया फिर अंतर का एलसीएम किया फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, ये है आपकी ट्रिक। पहले अंतर कर लो फिर अंतर का एलसीएम निकाल लो फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम कर लो। तो यहां देखना 3, 2, 6 कितना आएंगे 4, यहां 2, 3, 6 5, 3 कितना आएंगे 15, फिर आएंगे 2, 3, 6 3, 3, 9 और फिर आएंगे 2, 3, 6 7, 3, 21 यानी आपके पास नंबर आए हैं 4, 15, 9 और कितने 21, 4, 15, 9 और 21। अब मुझे बताओ इनमें चार फिर 4 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 15, 15 से बड़ा कौन 21। आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में ऐसे तो लिखते हैं सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी आपकी परेड में आपको जैसे खड़ा करेंगे, पहला जवान फिर उससे बड़ा जवान फिर उससे बड़ा जवान फिर उस सबसे बड़ा जवान, परेड में जैसे खड़ा करते हैं वैसे ही आपका आरोही क्रम होता है। 4 किससे आया, 4 आया सर पहली फ्रैक्शन से यानी 2/5 से, 9 किससे आया, 9 आया साहब किससे 1, 2, 3 नंबर से, 1, 2, 3 नंबर कौन है 3/5, फिर 15 कहाँ से आए 15 2 नंबर से, 2 नंबर कहाँ है 5/7, फिर 21 कहाँ से आए 21 आए सर सबसे लास्ट में यानी 7/9 से, ये इनका क्या हो गया आरोही क्रम, बोलो बात समझ में आई क्या।
काम कैसे करते हैं, पहले अंतर कर लो, फिर अंतर का एलसीएम कर लो, फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, ये काम करने का ट्रिक है। यहां देखना, अंतर किया, दो और पांच का अंतर तीन, पांच और सात का अंतर दो, तीन पांच का अंतर दो, सात नौ का अंतर दो, ठीक है। अंतर का एलसीएम आया साहब कितना, छह। फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, अंश ये तो ऊपर वाले सेम टू सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, नीचे क्या आ जाएंगे इनके अंतर, यहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा, इनको गुणा किससे करना है, एलसीएम से। फिर आपको देख लो, मान आए उनको ऐसे एडजस्ट कर लो और आंसर मिनिमम सेकंड में आंसर। एक क्वेश्चन और देखना, इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, देखना। नेक्स्ट यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे बोल दूं आपको क्या कि 11 बटा 15 प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ले रहा हूं, एक बार 11 बटा 15 5 बटे 6, 11 बटा 15 5 बटे 6, और मैंने दे दिया आपको 2 बटे 5, और दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या 15 बटे 17 का को आरोही क्रम में लिखिए, या का आरोही क्रम है, का सही आरोही क्रम है। अच्छा, आरोही क्रम की बात चल रही है तो मैंने कहा कि जो आपको वर्किंग प्रोसेस बताई वो क्या बताई, बताओ देखे कि सर पहले तो क्या कर लो, इनका अंतर निकाल लो, फिर अंतर का एलसीएम, फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। तीन स्टेप करने हैं आपको, कौन कौन से, पहला तो आपको करना है अंतर, फिर क्या करना है अंतर का एलसीएम, फिर क्या करना है तीसरा काम अंश बटे अंतर इंटू एलसीएम। ये करो काम और आंसर कैसे, 11 बटा 15 5 बटा 6 2 बटा 5 और 15 बटा 17। यहां देखना 11 और 15 4 का अंतर, 5 और 6 1 का अंतर, 2 और 5 3 का अंतर, 15 और 17 2 का अंतर। अच्छा, 4 1 3 2 का एल सी एम बोलो कितना होगा, 4 1 3 और 2 का एलसीएम मेरे अकॉर्डिंग होगा आपका वहां पे कितना 12। अरे एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ये लिंक्ड है, थोड़ा सा आगे भी कुछ ऐसे काम आएंगे जहां आपको मतलब मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ बिन इन सब का लिंक करके भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखना, आपने अंतर कर लिया, अंतर का एलसीएम निकाल लिया, फिर क्या करो अंश बटे अंतर, यानी 11 बटे यहां कितने 4, फिर यहां होगा 5 बटे 1, फिर गुणा एलसीएम से करना है तो यहां 12 से कर दो, यहां भी 12 से कर दो, फिर क्या होगा तीसरा जो काम है 2 बटा 3 गुणा 12, फिर कौन, फिर आप बोलोगे कि 15 बटा 2 गुणा 12, लो 4 3 12, तो यहां देखना कितने आएंगे 4 3 12 11 3 33, ये आएंगे कितने 12 5 60, ये आएंगे 8, फिर यहां आएंगे 6, 15 चिके, 15 चिके कितने 90, तो फिर देखो लो इनको व्यवस्थित कर दो, सबसे छोटा कोण 8, फिर 33 कितने 12 5 60 है ना, फिर कोण है 8, यहां कितने आ रहे हैं 4 2 8 और ये हो गए 2 12 5 चिके 90, यानी 8, फिर है आपका वहां पे कितना 33 है ना, फिर है आपका वहां पे कितना 60, फिर आपका वहां पे कितना 90, यानी सबसे छोटा, फिर आरोही क्रम में यूं ही तो करते हैं परेड में जैसे खड़ा करते हैं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहां कर दिया 8 कहां से आए, आप बोलोगे कि सर 8 आए कहां से, बताओ देखे 8 कहां से आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं आपकी 3 नंबर की फ्रैक्शन, 3 नंबर कौन है ये 3 नंबर यही तो है, तो 2 बटा 5, फिर कौन आएगा, फिर बताओ देखे क्या आएगा, फिर आएगा आपका वहां पे 33 वाला, 33 वाला कौन है 33 वाला है पहला 11 बटे 15, फिर आएगा 60 वाला, 60 वाला कौन है 2 नंबर, 2 नंबर कौन है 5 बटे 6, फिर आएगा 90 वाला, 90 वाला कौन है लास्ट वाला 15 बटा 17, ये आपका आंसर। पहले क्या करते हैं अंतर, फिर अंतर का एलसीएम, फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम और आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम हमने देख लिया, अब अपन बात करते हैं अवरोही क्रम की, है ना। अवरोही क्रम की बात देखना, अगला टाइप है अवरोही क्रम, बीनों का अवरोही क्रम, बीनों का अवरोही क्रम। एक बात और देख लेना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों को करने का प्रोसीजर, जो आपका वर्किंग प्रोसेस सेम है। क्या? अभी मैंने बताया आपको आरोही क्रम में ट्रिक बताई थी कि पहले कर लो अंतर, फिर क्या करो, फिर कर लो अंतर का एलसीएम, और तीसरा स्टेप रहेगा आपका अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, अंश बटे अंतर इंटू एलसीएम। यह है काम करने का तरीका, अंतर का एलसीएम और अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? पहला काम तो क्या करोगे, अंतर करोगे, दूसरा रहेगा आपका अंतर का एलसीएम, और तीसरा रहेगा आपका अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, चाहे आरोही हो चाहे अवरोही हो। आरोही में क्या करते हैं, छोटे से बड़ा, जबकि अवरोही में क्या करते हैं, आपकी परेड का उल्टा सिस्टम, सबसे बड़ा, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। ये होता है अवरोही क्रम, दिमाग में एडजस्ट कर लो। अवरोही क्रम यानी अपनी जो परेड में अपन को खड़ा करेंगे, परेड का उल्टा सिस्टम, परेड में जैसे जवानों को खड़ा करते हैं उसका उल्टा सिस्टम, है ना, उसका उल्टा सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, अवरोही। अवरोही देखो अजीब सा लग रहा है ना, अवरोही जो अच्छा ना हो, परेड का उल्टा सिस्टम, बहुत इजी है ना। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जैसे 6/7 और मैंने लिख दिया 6/7, 9/11। अच्छा, काम का प्रोसीजर वही है, काम का प्रोसीजर वही है, 15/19, 6/7, 9/11 और 15/19 का आपको क्या करना है, का अवरोही क्रम लिखो। का अवरोही क्रम है, आपको ऑप्शन दे देगा वो कि का अवरोही सही अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम है, सही आरोही और सही अवरोही का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, क्वेश्चन पॉइंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छा मान लो सब टॉपिक है। क्या? पहले अंतर देख लो, 6/7 का अंतर 1, 9/11 का अंतर 2, 15/19 का अंतर 4। पहला काम हो गया अंतर, दूसरा टिक लगा दो, अंतर हो गया, फिर अंतर का एलसीएम यानी 1, 2, 4 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 4। अब करो अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, मतलब 6/ अंतर कितना 1 गुणा एलसीएम आपका 4, पहला काम। दूसरा हो गया 9/2 गुणा 4, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। तीसरा हो गया 15/4 गुणा 4, और देखना यहां कितने होंगे, 6 को 4 से किया तो 24, यहां होंगे 2, 2, 4, 9, 2, 18, यहां होंगे 4 से 4 कैंसिल यानी 15, 24, 18 और 15। तो सबसे बड़ा सबसे पहले 24, फिर 15, फिर 18। 24 कहां से आया साहब, 24 से पहली बिन से यानी 6/7, फिर 15 कहां से आया, तीसरी बिन, तीसरी है 15/19, और फिर है आपका 18 कहां से है, दूसरी बिन मतलब 9/11। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, आरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे काम यही रहेगा। एक क्वेश्चन और दे दूं और आप उस क्वेश्चन को करना, देखे मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 17/25, 17/25, 15/23, 17/25, 15/23, 13/21, 13/21, और मैंने दे दिया 11/19 का अवरोही क्रम है, आरोही और अवरोही क्रम अपना जो चल रहा है, इसका अवरोही क्रम निकालना है। तो काम क्या होगा, वो का वो मतलब जो हमने किया है, पहला बात तो अंतर कर लो, दूसरा अंतर का एलसीएम, तीसरा काम क्या, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, ये काम कर लो और आपका आंसर आ जाएंगे।
मिनिमम सेकंड में काम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है 17 से 25 कितना हो गए 8। अरे 8 का हो गया ना अंतर, यहाँ 15 और 23 कितने का अंतर 8 का, 13 21 कितने का अंतर 8 का, और 11 से 19 कितने का अंतर 8 का। देख लो 17 और 8 25 तो होते हैं, और 15 और 8 भी 23, 13 और 8 21, 11 और 8 19। सारा हो गया ये काम कि आपने अंतर निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, अंतर का एलसीएम 8 8 8 8 सबका एलसीएम कितना होगा, अरे 8 का एलसीएम 8 ही तो होगा, तो अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। बस देखो कितनी बड़ी फ्रैक्शन थी और कितना इजी चला गया, क्या अंतर का एलसीएम यानी 8 का एलसीएम, एलसीएम तो साहब 8 8 8 है तो एलसीएम 8 ही होगा। तीसरा काम ये भी हो गया, टिक लगा लो, अंश बटे अंतर यानी 17/8 गुणा 8। तीसरा दूसरा काम होगा 15/8 गुणा 8 यानी ये के ये आंसर 13/8 गुणा 8। फिर अगला अगला है आपका 11/19 11/8 इंटू 8 यानी अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। ये अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम यानी ये बटा ये इंटू एलसीएम, ये बटा ये इंटू एलसीएम, ये बटा ये दिस बट अपॉन दिस। तो यहाँ देखना हटा साउंड की घटा 8 से 8 इस 8 से 8 इस 8 से 8 इस 8 से 8 तो यहाँ बचा क्या 17 15 13 और 11। अब हमने कहा था इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा सबसे छोटा सबसे लास्ट में, ये ऑलरेडी एडजस्टेड मामला है लॉ, तो इनका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा ये का ये, यानी 17/25 बड़ा है 15/23 से, फिर बड़ा है 13/21 से, फिर ये बड़ा है 11/19 से। ये लो आपके आंसर, बोलो बात समझ में आई क्या। अवरोही क्रम पूछा मैंने निकालने की, एक आपको शानदार ट्रिक बताई है, बहुत ही बेसिक और यूं मान के चलिए क्या बहुत ही शानदार मामला है, शानदार मामला है। स्टार लगा लो चाहे आरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे, आरोही पूछे तब भी काम यही करना है, अवरोही पूछे तब भी काम यही करना है, आरोही और अवरोही दोनों का काम सेम। अब अवरोही होता है क्या है, परेड का उल्टा सिस्टम, आपको परेड में खड़ा करते हैं उसका उल्टा सिस्टम जो होता है उसे अवरोही बोलते हैं, सबसे बड़ा फिर छोटा सबसे छोटा सबसे लास्ट में, और आरोही मतलब आपको जैसा परेड में खड़ा किया जाए सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये सीक्वेंस होता है आरोही और ये होता है अवरोही, काम सेम है। फिर नंबर देख लो, यहां सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इसका मतलब ये तो हो गया क्या अवरोही और वो था आरोही, बहुत ईजी है एकदम हलवा है ना। ये है ट्रिक क्या, अंतर अंतर का एलसीएम, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, और क्वेश्चन पॉइंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो। देखो मैंने पहले ही कहा था पढ़ने को मैटर बहुत है, लेकिन हमें ये पता चलता है ना कि ये हमारे सब एग्जाम का पॉइंट है, क्वेश्चन पॉइंट है, हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तब सेलेक्ट इजीली हो जाते हैं, बाकी पढ़ने को बहुत मैटर पड़ा है और ओवरेज हो जाओगे, पहले ही बोला था इसलिए ओरिएंटेड मैटर पहले पढ़ लो, पहले ही बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, लगा लो स्टार ही आपके आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आता है तब ठीक है। देखना नेक्स्ट टाइप की अपन बात करें तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिनों का हमने कहा आरोही क्रम अवरोही क्रम, सबसे बड़ी बिन सबसे छोटी बिन का की के, और फिर यूं के कि इसके सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो मोस्टली एग्जाम के यूं मान लो कि आयाम यानी फैक्टर है, लगभग हर एक आपकी ट्रेड के आयाम है। तो मान के चलिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना आरोही और अवरोही क्रम का, इसको करने का जो ये ट्रिक बताई है इससे आपका कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो वो इजी वे में सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और करूं, अच्छा एक सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन का भी एक और ट्रिक भी है वो भी बता दूं, हालांकि मैंने वहां एक अलग तरीके से आपको पहले बताया था, एक ट्रिक और बता दूं ताकि आपका तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन ट्रिक मैं तो दोनों बता देता हूं। एक पहले अवरोही क्रम का एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन पॉइंट एग्जाम पॉइंट है
नोट कर लो अपने स्टार में, स्टार लगा के अपने नोट्स में कि ये सर ने कहा था। क्वेश्चन आते हैं अक्सर, मैं ऐसे बोल दूं क्या, आपको बोल दिया मैंने कि 11 बटा 15 और 11 बटा 15 सात बटे दस 11 बटा 15 7/10 और 3/5 को अवरोही क्रम में लिखो। 3/5 को अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम। अच्छा, अवरोही क्रम क्या होता है साहब? अवरोही क्रम होता है अपनी परेड का उल्टा सिस्टम। यानी कि क्या बात करें, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा आदमी सबसे लास्ट में। ये होता है अवरोही क्रम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? पहली बात अंतर देख लो, ट्रिक क्या है, पहली अंतर, फिर अंतर का एलसीएम, फिर क्या होगा अंश बट्टे अंतर इंटू एलसीएम। तीन बातें आंसर लेके आ जाएगी। अंतर, अंतर का एलसीएम, फिर अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। देखना 11 और 15 चार का, 7/10 तीन का, 3/5 दो का, 4/3 2 ग्यारह चार का या तीन का या फिर आपका दो का, 4/3 2 का एलसीएम होगा साहब कितना, 12। तो यहां देखना है 11/4 × 12, फिर यहां हो जाएगा 7/3 × 12, और यहां हो जाएगा आपका क्या, 3/2 × 12। तो ये हो जाएगा 4 × 12 यानी 33, यहां हो जाएगा 3/4 × 12 यानी 7 × 4 = 28, यहां हो जाएगा 2/6 × 12 यानी 18, यहां देख लो 33, 28 और 18। इसका मतलब पहले ये बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये का ये आपका आंसर। बात समझ में आई क्या? अवरोही क्रम में होता है क्या, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ 33, उससे छोटा 28, उससे छोटा 18। ये है आपका क्वेश्चन करने का बहुत ही इजी और शानदार मेथड है। यूं लगा लो स्टार, अंतर, अंतर का एलसीएम, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। यह है काम करने का तरीका। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कई बार जो आपको ये क्वेश्चन मैंने कराए थे ना कि सबसे बड़ा और सबसे छोटी, सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन, उसको भी आप इससे कर सकते हो। इसी तरीके से सबसे बड़ी बिन पूछे या फिर आपको पूछे सबसे छोटी बिन, उसको भी इससे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं और इस बात को क्लियर करता हूं। देखना, मैं क्वेश्चन दे दूं आपको क्या, मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 25/19, थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन, दिखने में तो यूं लगेगा कि बहुत ही बड़ा है। 25/19 17/8 35/31 35/31 और मैंने दे दिया 47/43। मैं सबसे बड़ी बिन, द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिटवीन 25/19, 17/8, 35/31, 47/43 में सबसे बड़ी बिन है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन दिस, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन दिस, इन सब में बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी बिन कौन सी है। 25 और 19 साहब अंतर कितने का है, अंतर देख लो पहले तो 6, 17 और 8 अंतर कितने का है, 9, 8, 8, 16 और 1, 17 31, 35 अंतर कितने का, 4, 43, 47 अंतर कितने का, 4, 6, 9, 4, 4 का एलसीएम कितना होगा बोलो, 6, 9, 4, 4 का एलसीएम होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से तो होगा कितना बोलो, 36 होगा कि नहीं होगा। अरे ऐसी संख्या जिसमें इन सब का भाग जाए, 6, 9, 4, 4 तो 36 ही होगी। आपको एलसीएम निकालना आता होगा, जैसे निकाल लो एलसीएम 6, 9, 4, 4 दो का भाग दे दो 3 बार, ये 9, 2, 2 फिर 3 का दिया तो 1, 3 फिर आपका वहां पे 2, 2 फिर देखो 2 का दिया 1, 3, 1, 1 फिर जाएगा 3 का 1, 1, 1 3, 2, 6, 6, 18, 18, 2, 36 है ना। अब देखना, अब क्या करोगे, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम। अंश है पहली का 25, अंतर है आपका कितना
9 गुणा एलसीएम यानी 36, पहला मामला। दूसरा मामला है 17 बटे अंतर कितना 4 गुणा एलसीएम कितना 36। हटा आगे बढ़, फिर क्या है 35 बटे अंतर कितना, अंतर है साहब 4 का, एलसीएम कितना है साहब 36 का। आगे कौन रह गया, आगे एक 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 और रह गया, उसका क्या है 47 अपॉन इसका अंतर है 4 गुणा एलसीएम कितना आपका वहां पे 36। अब देखना कॉन्सेप्ट या राज की बात कि सबसे बड़ी बिन पूछे ना, बिन में जो ये मामला है या राज की बात नोट कर लेना आर के बी कि बिन के अंदर जिसका मान जितना छोटा होगा, मान यदि छोटा होगा ना ये वाला मान, वो बिन उतनी ही क्या होगी बड़ी होगी। मान छोटा तो बिन क्या होगी बड़ी, देखना कैसे, मान जितना छोटा बिन उतनी ही बड़ी, मान जितना छोटा होगा बिन उतनी ही क्या होगी बड़ी होगी, देखना कैसे, मान जितना छोटा बिन उतनी ही बड़ी, ये कॉन्सेप्ट है। राज की बात नोट कर लो, स्टार लगा लो, देखना कैसे 9 4 36 25 4 कितने हो गए आपके वहां पे, यहां कितने थे सॉरी 6 थे क्या, यहां अंतर 6 का था 25 बटे 6 और यहां पे था आपका कितने का अंतर था, यहां साहब 17 बटे अंतर है 9 का, यहां अंतर है कितने का 4 का और यहां भी अंतर 4 का, देखना 6 6 चंग 36 25 6 150 25 6 150, यहां हो गया 9 4 36 17 4 68 यानी 68। अगला है 9 बार 35 2 70 35 3 105 35 4 140 35 5 175 35 6 210 35 7 245 35 8 280 35 9 315 35 को 9 से गुणा करेंगे तो आएंगे 315। फिर है आपका ये कितने हो गए 9 चौक 36, यहां देखना 9 7 63 का 3 6 9 चौक 36 36 और 6 कितने हो गए 42। यहां देखना अब हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि मान जितना छोटा होगा वो बिन उतनी ही बड़ी होगी। यहां छोटा कौन है साहब, यहां छोटा है सर 68, कौन है 68, तो ये जितना छोटा है बिन इसकी बड़ी होगी। इसकी बिन कौन सी है, एक नंबर दो नंबर, दो नंबर बिन कौन सी है 17 बटे 8, कौन है दो नंबर बिन, ये 17 बटे 8, ये इसका क्या हो जाएगा सबसे बड़ी बिन। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बिन कौन सी होती है, जिसका मान क्या हो, मान छोटा होता है वो बिन उतनी ही क्या होती है बड़ी होती है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन का एग्जाम पॉइंट भी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने कट बोलो और आगे बढ़ो वो कॉन्सेप्ट बताया था, जो इजी लगे वो लगा दो और आंसर ले लो। वापस देख लो कि इनमें से मुझे पता करना था कि सबसे बड़ी बिन कौन सी है, क्वेश्चन चाहे सबसे बड़ी बिन का हो, चाहे सबसे छोटी बिन का हो, चाहे आरोही का हो, चाहे अवरोही का हो, काम का तरीका एक ही है, अंतर, अंतर का एलसीएम, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, बिठा लो इसको माइंड में, अंतर, अंतर का एलसीएम और अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, ये काम कर लो आपके आंसर आ जाएंगे। अच्छा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिन के अंदर जितना मान छोटा होगा वो बिन उतनी ही बड़ी होगी और जितना मान बड़ा होगा वो बिन उतनी ही क्या होगी छोटी होगी, एक दूसरे के यूं कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती, जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा, कैसे देखना मैं बात क्या कर रहा हूं, इसका इसका डिफरेंस आया 6, इसका आया कितना 9, इसका आया 4 4, तो 6 9 4 4 का एलसीएम आया 36, या अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम तो 25 बटे 6 गुणा 36, 17 बटे 9 गुणा 36, इनको मैंने सोल्व किया तो इसका मान आया 150, इसका आया 68, इसका आया 315, इसका आया 423। अब ये देख लो कि जो मान छोटा है, छोटा कौन है साहब 68 है ना, जो जितना छोटा होगा उसका बिन का मान उतना ही बड़ा होगा, बात समझ में आई क्या, यहाँ 68 छोटा है ना, ये छोटा है तो इसकी बिन बड़ी होगी, इसकी बिन कौन सी है, इसकी बिन है ये, तो ये सबसे बड़ी बिन होगी। बहुत ही इजी और एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, क्वेश्चन इससे एवरग्रीन है, सदाबहार मामला है, हर बार पूछे जाने वाले मैटर में से शामिल होता है। अपने नोट्स में इसको शामिल कर लो, अपनी ट्रिक को यहां लिख लो, और पहले ही कहा था कि एक
ऐसी बातें जो मैं यूं कहता हूं कि एवरग्रीन है, आपके पेपर में लगभग पूछे जाते हैं, उसको अलग लिख लिया करो, उसके नोट्स थोड़े अलग लिख लो, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तब उनको देख के जाओ कि हाँ अब मेरा एग्जाम है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इनको देख ले। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये तो है सफलता के मंत्र, और इनको आप लगा लो। आर के भी लिख लो कि यहाँ जितना मान छोटा होगा ना उसकी बिन उतनी ही बड़ी होगी। यहाँ 68 छोटा है ना, इसका मतलब 68 दो नंबर पे है, दो नंबर पे ये रहा, तो ये बिन क्या होगी? बड़ी होगी। बोलो बात समझ में आई क्या?